परेशान नहीं पर समझ के सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार। वैसे नए साल का पहला महीना पूरा हो चुका है, ठंड भी खत्म होने लगी है, लेकिन डोंट वरी, हम अभी भी आपके साथ हैं। तो चलिए फिर मेरे यानी बबीता जैन के साथ शुरू करते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का एक और नया सफर। सबसे पहले बात एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की जिनके काम तो आज भी चिकित्सा जगत में बुनियाद बने हुए हैं, लेकिन इनका नाम इन सब के बीच कहीं धुंधलाता सा जा रहा है, जबकि इतिहास ने इन्हें आज भी हमारे बीच जीवंत किया हुआ है। आज ही के दिन 1915 में पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में जन्मे शंभूनाथ डे ने कॉलरा के टॉक्सिसिटी का पता लगाकर इसका इलाज ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मशहूर वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच द्वारा कॉलरा के एजेंट बैक्टीरिया का पता लगाने के बाद जो शोध इस बीमारी की तह तक जाने में कामयाब हुआ, वो डे द्वारा ही किया गया था। इन्होंने कॉलरा एजेंट द्वारा शरीर पर पड़ने वाले फर्क को न सिर्फ देखा बल्कि किलर डिजीज कहे जाने वाले कॉलरा का इलाज ढूंढने में भी मदद की। वो डे ही थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि इसका कीटाणु हमारे शरीर की आंतों में पनपता है और शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। शंभूनाथ डे के पिता एक छोटे से व्यापारी थे, इसीलिए इन्होंने अपनी शिक्षा अपने अंकल की मदद से पूरी की। बचपन से ही वो एक असाधारण बुद्धि के मालिक रहे थे। 1939 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और फिर 1942 में ट्रॉपिकल मेडिसिन में अपना डिप्लोमा पूरा किया। ट्रॉपिकल मेडिसिन के तहत उन बीमारियों के कारणों को ढूंढने की कोशिश की जाती है जो अमूमन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, कॉलरा अक्सर महामारी का रूप ले लेती हैं। 1949 में शंभूनाथ डे ने लंदन से पैथोलॉजी में अपनी पीएचडी पूरी की और फिर भारत वापस आकर शोध करने का फैसला लिया। स्वदेश आते ही इन्होंने किलर डिजीज कॉलरा की पैथोजेनेसिस यानी बैक्टीरिया की उत्पत्ति को जानने पर अपने शोध कार्यों का सिलसिला शुरू किया और लगातार अपनी खोजों को प्रकाशित भी करवाते रहे। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के कारण ही 1955 में इन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी डिवीजन का प्रमुख बना दिया गया। इस पद पर इन्होंने सेवानिवृत्त होने तक कार्य किया और कॉलरा और इसके उत्पत्ति पर आधारित तकरीबन 30 शोध पत्र प्रकाशित किए। 1986 में द साइंटिस्ट जर्नल के संपादक व संस्थापक यूजीन गारफील्ड डे की प्रशंसा करते हुए कहा था कि 1959 में डे ही वो इंसान थे जिन्होंने बताया था कि कॉलरा बैक्टीरिया अपने विष को शरीर के भीतर छोड़ता है। इसी को आधार बनाकर ऐसी दवाओं पर खोज शुरू हुई थी जो शरीर में इस जहर को न्यूट्रल यानी निष्क्रिय कर सके। इस वक्त डे का शोध पत्र एंटेरोटॉक्सिसिटी ऑफ बैक्टीरिया फ्री कल्चर फिल्ट्रेट ऑफ वाइब्रो कॉलरा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज यही शोध इतिहास में कॉलरा पर हुए शोध के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। शंभूनाथ डे ने जिस वक्त अपने शोध कार्यों को पूरा किया, उस वक्त उन्होंने कोलकाता के बहुत से संस्थानों की प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल किया था, क्योंकि किसी एक जगह पर सभी सुविधाएं नहीं मिल सकती थीं। बड़े ही सरल व किफायती तरीके से इन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया और साथ ही देश की प्रयोगशालाओं में ऐसे शोध करने के मानक भी स्थापित किए। नोबेल विजेता प्रोफेसर लीडरबर्ग का मानना है कि डे द्वारा किए गए क्लिनिकल परीक्षण से ही इन्हें पता चला कि बच्चों में कॉलरा की मुख्य वजह डिहाइड्रेशन का होना है, जिसके आधार पर ही प्रोफेसर लीडरबर्ग ने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ORT की खोज की। इसकी मदद से शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर कॉलरा के विष को कम किया जा सकता है और इस तरीके से अब तक लाखों जिंदगियों को बचाने में मदद मिली है। शंभूनाथ डे एक ऐसे सच्चे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कभी किसी पद को पाने की इच्छा नहीं रखी और इसीलिए 1973 में
कोलकाता मेडिकल कॉलेज से रिटायर होने के बाद भी निस्वार्थ भाव से बोस इंस्टीट्यूट में अपने शोध कार्यों को बढ़ाने में लगे रहे। दरअसल डे शरीर में मौजूदा कॉलरा विष को शुद्ध करने का तरीका इजाद करना चाहते थे, लेकिन प्रयोगशाला में उस वक्त प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध न होने के कारण उनका ये कार्य पूरा नहीं हो सका। ये इनके शोध कार्यों की ही व्यापकता का प्रभाव था कि 1978 में नोबेल फाउंडेशन ने कॉलरा और इस पर आधारित दूसरे डायरियाज के लिए आयोजित किए 43वें नोबेल सिंपोजियम में डे को आमंत्रित किया था। ताउम्र चिकित्सा विज्ञान की निस्वार्थ सेवा करने वाले इस वैज्ञानिक ने उम्र के 70वें पड़ाव पर दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके कार्य अभी भी वैज्ञानिक समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। आज शंभुनाथ डे को उनकी जयंती पर समस्त विज्ञान जगत और हमारी पूरी टीम दिल से सलाम करती है। भावनाएं जब सच्ची हो तो आपका प्रभाव दुनिया पर नजर जरूर आता है। आज ही के दिन 1972 में जन्मी लेमा ब्यूवी भी विश्व पटल पर अंकित वो नाम है जिन्हें खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षक और लाइबेरियन शांति दूत के रूप में पहचाना जाता है। ब्यूवी ने मानवता पर हुए क्रूर प्रहार को अपनी आँखों से देखा और लाइबेरिया को इस अंधेरे से बाहर निकालने का निश्चय किया। इन्होंने महिलाओं की शक्ति को समझा और उन्हें एकजुट कर एक नए इतिहास का सूत्रपात किया। ब्यूवी मात्र 17 वर्ष की थी जब लाइबेरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ था। जब ये युद्ध बढ़ा उस दौरान ब्यूवी एक माँ बन चुकी थी और साथ ही सैनिकों के बच्चों के लिए बतौर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थी। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि शांति को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका कितनी कारगर हो सकती है। यही सोचकर उन्होंने लाइबेरिया में विमेन इन पीस बिल्डिंग नेटवर्क यानी विपनेट नामक संस्था की स्थापना की। ये संस्था पश्चिमी अफ्रीका में कार्यरत वेस्ट अफ्रीका नेटवर्क फॉर पीस बिल्डिंग का ही एक हिस्सा थी। I grew up a Lutheran in a very strong family. We grew up with religion, our faith all over, all around us. When we started the mass action campaign as a result of a dream I had, and I took this dream back to my office. Fortunately, I had a pastor, and he said, it's you. And I was like, I don't live the life for God to be speaking to me. But by the time I started engaging with other women, when we put the group together, they were like, God, go back to the Bible and read. इन्होंने अपनी साथी ईसाई महिलाओं को पहले एकजुट किया और फिर मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें शामिल करके लाइबेरियन वॉर को समाप्त करने की पहल की। इन महिलाओं के शांति प्रदर्शन को देखते हुए ही राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर ने घाना में होने वाली शांति वार्ता में शामिल होने का वादा किया। शांति वार्ता के दौरान सभी महिलाओं ने टेलर के प्रतिनिधियों को आने से इसलिए रोका ताकि किसी भी तरह की अहिंसा न हो सके। राष्ट्रपति के कहने पर ब्यूवी को हिरासत में लेने की कोशिश भी की गयी, लेकिन ब्यूवी की बुद्धिमता से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अंत काफी सकारात्मक रहा। इन विरोध प्रदर्शन का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिन के भीतर चार्ल्स टेलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही देश भी छोड़ दिया, जिसके बाद नई सरकार का गठन किया गया। ब्यूवी ने महिला वोटरों की संख्या को बढ़ाने के लिए कैंपेन भी किए और इसी का परिणाम था कि महिलाओं की संख्या 15% से बढ़कर 51% तक पहुँच गयी। 2003 में समाप्त हुए लाइबेरियन सिविल वॉर में महत्वपूर्ण योगदान के कारण अब ब्यूवी की प्रतिभा हर जगह फैलने लगी थी। इसीलिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र समेत बहुत से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये तो शांति की तरफ बढ़ाया गया ब्यूवी का एकमात्र कदम था, जबकि हर बार ये कदम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़ता रहा। सन 2006 में इन्होंने घाना में विमेन पीस एंड सिक्योरिटी नेटवर्क अफ्रीका नामक संस्था की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही इस गैर लाभकारी संस्था का मकसद शिक्षा से लेकर प्रशासन तक महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
यहाँ तक कि सन 2011 में इन्हें विश्व के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये पुरस्कार इन्हें लाइबेरिया व अफ्रीका में शांति को कायम करने और महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले अनगिनत कार्यों के सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया था। Finally, the 50% of the world's population has been often left out of peace and security processes. This award is a loud call that no more can we negotiate peace and leave this 50% of the world's population out. The little that I know about trying to change a situation around, you can't do it without a recognition that there is a higher power that is accompanying you on that journey. That's the first part for me. 2012 में इनके द्वारा स्थापित की गई ब्यूवी पीस फाउंडेशन पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाली लड़कियों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। देश के भीतर व विदेशों में इन लड़कियों की शिक्षा को जारी रखने में इस संस्था ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी ब्यूवी व उनकी संस्थाएं महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ रोजगार से जोड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेंगी। आज हमारी ओर से महिलाओं की इस सिपह सालार को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे श्रोताओं, किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान अपने आप पर भरोसा करता है तो फिर दुनिया भी उसे ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। कार्यक्रम की हमारी अगली हस्ती हॉलीवुड से हैं, लेकिन वो हम सब के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कई बार लोग अपने इरादे सिर्फ दूसरों की वजह से बदल देते हैं, जबकि नाम उनका रोशन होता है जो उन्हें पूरा करके ऐसे लोगों की जुबान बंद करा देते हैं। 1 फरवरी 1901 में ओहायो में जन्मे क्लार्क भी एक ऐसे ही शख्स थे जिन्हें हॉलीवुड कभी नहीं भूल सकता। As a teenager, he had a squeaky voice, scrawny body, and ears that stuck out like jug handles. You know what happened on his first performance on stage? He tripped and fell on his face. Now that's not an auspicious beginning for a king, but a king Clark Gable was. On top of the heap for over 30 years, this was the leading man that men and women liked equally. Whether he was roping wild horses with Marilyn Monroe, hitchhiking with Claudette Colbert, or telling Scarlett that he didn't give a damn. वैसे जिस वक्त इन्होंने हॉलीवुड में प्रवेश किया था, उस वक्त सभी ने इनका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम भला कैसे लीड रोल में आ सकते हो, तुम्हारे तो कान इतने बड़े हैं। लेकिन पता है आपको, क्लार्क ने सभी की बातें एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। वो अपनी धुन के पक्के थे, उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और फिर उनकी कोशिशों ने ही उन्हें हॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बना दिया। अपने पूरे करियर में इन्होंने इट हैपेंड वन नाइट, गॉन विद द विंड और द मिसफिट्स जैसी कई हिट फिल्में की थीं, जो आज भी हॉलीवुड की टॉप फिल्मों में शुमार की जाती हैं। Sir, you should have made your presence known. In the middle of that beautiful love scene, that wouldn't have been very tactful, would it? But don't worry, your secret is safe with me. Sir, you are no gentleman. And you, miss, are no lady. Oh. But don't think that I hold that against you. Ladies have never held any charm for me. First you take a low, common advantage of me, then you insult me. I meant it as a compliment. And I hope to see more of you when you're free of the spell of the elegant Mr. Wilkes. क्लार्क के पिता तेल निकालने का काम करते थे और माँ का साथ तभी छूट गया जब वो छोटे थे। ऐसे में परवरिश कुछ खास नहीं हो सकी। अभी क्लार्क 16 साल के ही थे कि उनका स्कूल भी छूट गया और फिर इन्होंने एक टायर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान इन्होंने एक नाटक देखा जिसे देखकर क्लार्क को इतना मजा आया कि जनाब ने यहाँ तक सोच लिया कि बनूंगा तो एक्टर ही, पर जैसा सोचो अगर वो बिना मेहनत के मिल जाए तो काबिलियत पता नहीं चलती। क्लार्क के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1919 में अपनी दूसरी माँ के गुजर जाने के बाद इन्हें अपने पिता के साथ तेल कारखाने में काम करना पड़ा। किसी तरह यहाँ पर इन्होंने 3 साल गुजारे और फिर एक थिएटर ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद जब ये थिएटर बैंककरप्ट हो गया तो क्लार्क ने कड़ी मशक्कत से दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। यहाँ पर क्लार्क की मुलाकात हुई इनकी फ्यूचर वाइफ जोसेफिन डिलन से। जोसेफिन कंपनी की मैनेजर थी।
इन्होंने क्लार्क के हुनर को पहचाना और इन्हें इंडस्ट्री में फिट करने के लिए इनकी कोच बन गई। क्लार्क को इनका पहला लीडिंग रोल मिला डांस फूल्स डांस में। इस फिल्म में लोगों ने क्लार्क के अभिनय को बहुत पसंद किया और फिर इनकी सफलता का दौर शुरू हो गया। वैसे नेगेटिव रोल में इन्हें पहचान ज्यादा मिली और साल के अंत तक दर्जनों फिल्में करके क्लार्क ने खुद को एक विलेन के रूप में स्थापित कर दिया। सन 1933 में जब क्लार्क डांसिंग लेडी की शूटिंग कर रहे थे, तभी इन्हें पायरिया की शिकायत होने लगी और दांतों के जरिए इन्फेक्शन क्लार्क के गॉल ब्लेडर तक पहुंच गया, जिस कारण काफी दिनों तक इन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा और फिल्म का बजट लेट होने की वजह से बढ़ता चला गया। कंपनी ने भी इन पर दबाव डालना शुरू किया कि जल्दी फिल्म खत्म करें। MGM ने आखिर में इन्हें मना कर दिया और फिर क्लार्क को कोलंबिया पिक्चर्स की लो बजट फिल्म इट हैपेंड वन नाइट में काम करना पड़ा। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने के अलावा एकेडमी अवार्ड हासिल करने में भी कामयाब रही। I saw an island in the Pacific once. Never been able to forget it. That's where I'd like to take her. She'd have to be the sort of a girl who jump in the surf with me and love it as much as I did. Nights when you and the moon and the water all become one. इस सफलता के साथ ही क्लार्क को नेगेटिव रोल के अलावा अब वैरायटी ऑफ रोल्स मिलने लगे थे। सन 1939 में क्लार्क को सिविल वॉर पर आधारित गॉन विद द विंड में काम करने का मौका मिला और फिर इस फिल्म ने इन्हें किंग ऑफ हॉलीवुड बना दिया। इसी बीच अपनी तीसरी पत्नी की प्लेन क्रैश में मौत के बाद क्लार्क ने 41 वर्ष की उम्र में एयरफोर्स ज्वाइन किया और जर्मनी पर हुए हमलों में बतौर टेल गनर मुख्य भूमिका निभाई। 1944 में यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने एक बार फिर से MGM जैसे बैनर के साथ काम करना शुरू कर दिया। सन 1954 में जब कंपनी के साथ इनका करार पूरा हुआ, उस वक्त क्लार्क सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले कलाकार हुआ करते थे। अपनी सबसे बेहतरीन फिल्म द मिसफिट्स में इन्होंने एक बार फिर से सभी को अपना दीवाना बना लिया। You're a real beautiful woman. It's almost kind of an honor sitting next to you. You just shine in my eyes. That's my true feeling, Rosalind. But what makes you so sad? I think you're the saddest girl I ever met. You're the first man that ever said that. I'm usually told how happy I am. That's because you make a man feel happy. I don't feel that way about you, Kay. Well, don't get discouraged, girl. You might. Look, why don't you try it out here for a while? See what happens. You know, sometimes when a person don't know what to do, the best thing is to just stand still. लेकिन इस बार सफलता का आनंद लेने के लिए क्लार्क खुद मौजूद नहीं थे। दरअसल 16 नवंबर 1960 को, यानी शूटिंग खत्म होने के दो दिन बाद ही दिल के दौरे से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जाते जाते भी क्लार्क हॉलीवुड को अपना बेहतरीन तोहफा देकर ही गए। फिल्म ने नए रिकॉर्ड रचे और साथ ही क्लार्क का नाम भी इतिहास में अमिट हो गया। भारत देश की सभ्यता काफी प्राचीन है और प्राचीन काल से ही यहाँ कबड्डी और पहलवानी के खेल शौकिया तौर पर खेले जाते रहे हैं। लेकिन कल और आज में अंतर देखें तो अब ये खेल मात्र शौक नहीं बल्कि देश के गौरव को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेलों से जुड़े खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके देश को आगे बढ़ाने में लगातार अपना योगदान कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही खिलाड़ी का जन्मदिन है जिन्होंने रेसलिंग में न सिर्फ अपने खेल से अब तक कई पदक हासिल किए हैं बल्कि भावी पीढ़ी को भी ऐसा करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनका नाम हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी 1955 को दिल्ली के बवाना में जन्मे विश्व स्तरीय रेसलर सतपाल सिंह की। पहलवान गुरु हनुमान ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और सतपाल को एक विख्यात पहलवान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सन 1982 के पहले एशियन गेम्स में ही इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता और देश को उन पर गर्व करने का मौका दिया। वैसे ही उनकी पहली जीत नहीं थी। इससे पहले 1979 में एडमंटन में आयोजित की गई कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 1981 में पाथ में आयोजित इसी प्रतियोगिता में सतपाल सिंह ने दोबारा से स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने कई बार विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सतपाल सिंह का नाम सिर्फ उनके खेल के दम पर ही नहीं बल्कि उनके शिष्यों के जरिए भी कई बार चर्चा में रहा है। सन 2008 में जब उनके शिष्य सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक्स में पदक जीता तो लोगों को एक बार फिर से सतपाल सिंह के खेल की यादें ताज़ा हो गईं। 16 या 17 साल पहले ये मेरे पास आए थे, इसके पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब जो धारा सिंह जी हैं, तो वो इनको लेके आए थे। तो मैंने इसका पहले दिन ही ट्रायल देखा, इसको कुश्ती लड़ा के देखा और इसके अंदर जो चीज थी वो पहले दिन से ही एक स्टील था। स्टील का मतलब था कि उसका इतना दिमाग और इतना बिल्कुल ऐसे, तो उसी दिन से मुझे लग गया था। मैंने भाई साहब को कहा भी, मगर ये तो बहुत बड़ा पहलवान बनेगा। सुशील कुमार ने अपने गुरु को सन 2012 में एक बार फिर से उन पर गर्व करने का मौका दिया। इस बार सुशील ने लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक जीत कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया था। मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो गुरु की देन हूँ और गुरु ने ही, जो गुरु अच्छे से मेरे को नहीं सिखाते तो क्या पता मैं यहाँ तक नहीं होता। और उनका बहुत आशीर्वाद है और प्यार रहा है कि हर एक चीज़ पे टेक्निकल आपने देखा भी होगा कि सुबह वो आ जाते हैं और बच्चों के साथ ट्रेनिंग करते हैं। जो भी उनका अनुभव है, खुद वो 82 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो उनका मैं तो मानता हूँ कि बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। सुशील कुमार की तरह देश को और भी बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी देने के मकसद से सतपाल सिंह दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह के साथ 1988 से एक अखाड़ा चला रहे हैं जिसमें पहलवानी की कोचिंग दी जाती है। सतपाल सिंह के बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। सन 1974 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से, 1983 में पद्मश्री और 2009 में भारत सरकार की तरफ से इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे भारत में आयोजित होने वाली नेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप को 16 बार जीतने का गौरव भी सतपाल सिंह को ही प्राप्त है। आज पूरी टीम की ओर से देश के इस गौरवशाली पहलवान को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हमारा ये सुहाना सफर यहीं पर समाप्त होता है। अपनी दोस्त बबीता जैन को यहीं पर दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।